कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के कारण सब्जियों व अन्य फलों के दाम आसमान छू रहे हैं। मंडी में जो फल सब्जी 40 से 70 रुपए में मिल रही है, वह बाहर आते आते 150 से 200 रुपए किलो में बेची जा रही है। प्रशासन इन पर नियंत्रण रखने में नाकाम नजर आ रहा है, जिसके कारण दुकानदार इस महामारी के बीच लोगों को लूटने में लगे हैं। कोविड-19 संक्रमण के इन हालातों में नींबू और संतरे की आवश्यकता बढ़ गई है और इसके कारण मुनाफाखोरी भी अब अपने पांव पसारने लगी है। अजमेर की रामगंज सब्जी मंडी में नींबू जहां 60 से 70 रुपए किलो बिक रहे हैं, तो वही बाहर आते आते 150 से 250 रुपए किलो तक बिक रहे हैं। इसके साथ ही संतरे, पाइनएप्पल, नारियल पानी व अन्य फलों की कीमतें भी दोगुनी और तिगुनी दर में बेची जा रही है। इसके कारण आम व्यक्ति इन्हें खरीदने से पहले 10 बार सोचता है। रेलवे अस्पताल के बाहर अजय नाम के युवक ने ठेला चालक से नींबू लिए, जिसे 40 रुपए के 5 नींबू दिए गए, जबकि यही नींबू मंडी में 70 रुपए किलो मिल रहे हैं। ऐसे ही हालात सभी फलों और सब्जियों के हैं, जिसके कारण आम व्यक्ति घर से दूर जाकर फल सब्जी सस्ते में खरीदने को मजबूर है और इसके कारण उनकी गाड़ियां सीच हो रही है। सर, मैं कैसरगंज से आया हूँ और ड्यूटी से वापस आ रहा था, तो मेरे यहाँ नींबू देखे, 40, इनसे भाव पूछा तो इन्होंने 40 रुपए पाव बताया। 40 रुपए पाव नींबू मैंने लिए। पाव लिया? हाँ, महंगे ही है अभी तो सर, महंगे चल रहा है। क्या? अब ये तो पता नहीं सर, यहाँ पूछा तो इन्होंने 40 रुपए पाव बताया, आगे अभी पूछा नहीं। अजय। मंडी व्यापारी हितेश ने बताया कि कोविड-19 महामारी और गर्मी के कारण फल व अन्य चीजों में कुछ बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इतनी बढ़ोतरी भी नहीं हुई है जिसे आम व्यक्ति खरीद ना सके, लेकिन मंडी से खरीदने के बाद दुकानदार उसे मनमाफिक भाव में बेच रहा है। इसके कारण लोग खासे परेशान हैं। ऐसे में जिला प्रशासन को सख्ती करनी होगी और इन पर नियंत्रण लगाने की आवश्यकता है। जिस तरह से मंडी पर प्रशासन का नियंत्रण होता है, उसी तरीके से आम व्यापारियों पर भी नियंत्रण की आवश्यकता है, जिससे कि इस महामारी और परेशानी के दौर में फल सब्जी सभी को आवश्यकतानुसार कम कीमत पर मिल सके। मंडी में अभी अभी मौसमी तो सिर्फ 1100 रुपये का कट्टा है 15 किलो का, और आम है 40 से 50 रुपये तक के किलो है, और अनार ले लीजिए आप, अनार हैं 1000 रुपये तक, 800 से 1000 रुपये तक अनार मिल जाएगी आपको, और जैसे अच्छे हाफूस वगैरह आम लेंगे तो वो 100 से 110 रुपये तक किलो है, और भी जैसे अंगूर वगैरह हैं तो वो भी 70 से 100 रुपये तक के किलो के बीच में बिक रहे हैं अभी तो, और भी अदर आइटम है तो वो भी 30-40 रुपये की पोजिशन में तरबूज और खरबूज वगैरह मिल जाएंगे अपने। रेट में बढ़ोतरी गर्मी के कारण थोड़ी सी तो हुई है, पर ना क्या इतनी बढ़ोतरी भी नहीं हुई है कि ग्राहक ना ले सके, बाकी गर्मी को देखते हुए तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भाव होता ही है। और जैसे कि जैसे गर्मी का आइटम है, जैसे मौसम वगैरह जूस के आइटम है, पाइनएप्पल वगैरह, तो उसमें थोड़ी सी हाँ तेज़ी हुई है, पर अभी जैसे सप्लायर जैसे लेके जो अपने से लेके जा रहे हैं वो डिलीवरी घर तक पहुँचाना, तो हो सकता है थोड़ा सा मार्जिन वो तेज़ रख सकते हैं, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मौसमी अभी जैसे 70 रुपये ले जा रहे हैं तो वो 80 या 85 या 100 रुपये तक भी देता हूँ, सही है, उससे ज़्यादा तो उसका रेट नहीं बनता है। जैसे अगर दे जनता, अब लेने वाला भी जनता को भी देखना चाहिए कि इतनी मौसमी में भाई आके या मार्केट में न्यूज़पेपर पे डेली रेट्स आते हैं उनको चेक करके फिर लें तो ज़्यादा अच्छा है। महामारी से हो सकता है इसका फ़ायदा ले सकते हैं, गलत लोग इसका फ़ायदा ले सकते हैं, अदरवाइज मंडी में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मंडी में जो भाव चल रहे हैं वही चल रहे हैं अभी भी। मेरा नाम हितेश तिष्ठानी।